क्या हो गया, इसके लिए थोड़ा क्या करना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा लग रहा है मेरा नया लुक? आई नो इट्स वियर्ड बट सो इट्स मिडनाइट और मैं जा रहा हूँ पता नहीं कहाँ। मैं अपनी बाइक को लेकर निकल गया हूँ, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ और कहाँ जाकर बाइक रुकती है। सो इस बार की डेस्टिनेशन कहाँ होगी मेरी, सो उसको जानने के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते रहना। मुझे कुछ शर्म आ रही है यार। सो द व्यू इज ऑसम और यहाँ पर धुंध पड़ी है, ठंड भी हो चुकी है एंड दिस डॉगी। सो गाइस आपने नैनो देखी होगी, ऑब्वियसली देखी होगी बट जैसी मैं दिखाने वाला हूँ वैसी नहीं देखी होगी। अरे क्या हो गया, इसको बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सो नैनो ये देखो, वाओ यार क्या सही बनाई है ना जिसकी भी है। सही मॉडिफाई किए बंदे ने, सही पेंट करवाया इसमें। मैं नारकंडा पहुंचने वाला हूं और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैं निकलूँगा आगे की ओर और मैं जाऊँगा रामपुर। फिर रामपुर में देखते हैं यार। सो लेट्स सी। सो आई हैव रीच्ड नारकंडा नाउ और मौसम देख सकते हो आप लोग यार कैसा सा है। चलो एटलीस्ट बारिश तो नहीं हो रही है, बाकी इट इज़ वेरी प्लेजेंट एयर, काफ़ी अच्छा हुआ भाई मौसम। ठीक है यार, धूप भी नहीं होनी चाहिए और बारिश भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ से मैं आगे निकलूँगा रामपुर की तरफ। चलो मिलते हैं फिर आगे। सो यार यहाँ पर ये जो मोड़ आ रहा है नारकंडा के साथ ही है, तो दिस वन गोज़ टू रामपुर और वो जो सामने है वो हाटू पीक की साइड जाता है। मतलब आगे भी जाता होगा कहीं और बट हाटू पीक अगर किसी को जाना हो तो ये वाला रास्ता है। ओके तो हमें जाना है लेफ्ट साइड। आई एम अबाउट टू रीच रामपुर और ये देखो सतलुज बिल्कुल रोड के साथ ही है यार, इतनी खतरनाक दिख रही है मैं बता नहीं सकता, बहुत तेज बह रही है। An hour later. Hello, I'll get home today. Okay, you have a road.
मुझे लगता है यही पार्किंग है ना। ये है ना गुफा। जाने देते हैं यहाँ पर अभी। चारू जी और हाँ जी कृष्णकांत, हाँ जी, क्या हो क्या नाम उसका, हरिओम हरिओम। तो परे सोते हो उनके लिए बांदर बनाया है, परे बनाया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनका ये बहुत बढ़िया है। अच्छा यहाँ पे आपकी होती थी, ऊपर उनकी है ना। तो ऊपर टॉप पर है वो, अंदर को वो तो अंदर को है ना, वहाँ जाना मैं आप तो ऑक्सीजन ही नहीं होती यहाँ से। हाँ जी वाह, ये भी आगे थोड़ा कट किया हुआ है, थोड़ा सा छीला हुआ है नीचे वाला, नीचे से ना यहाँ नीचे घंटा होता था काफी जगह थी, परे परे तो जहाँ ये वेटी जैसी बनी है ना वैसा था ये। फिर गुफा थी इतनी, ऊपर से काटा हुआ है ऊपर से, शायद मैं दिखाऊंगा बाद में। पहले आप लोग दर्शन करें यहाँ माता जी के ऊपर जाओ। चलो जी वायर, लाइट लाइट का सिस्टम भी बढ़िया हो गया, पहले लाइट नहीं होती थी यहाँ पे। वाह वाह यार, ओ भाई यहाँ पर जी वाह। माता की गुफा है ना, और कितनी पुरानी हो गई है, मतलब जब ये कह रहे हैं कि 1973 में, काफी पुरानी है। चलो अभी इनसे पूछेंगे। आ जाओ यार आ जाओ, आप कर लो दर्शन। टू वे नहीं है ये, गुफा है ये भी। हाँ गुफा ही है, सात होगी जो, हाँ सात गुफाएं।
जीवा। अच्छा आप बता रहे थे कुछ नीचे। पहले जो है ना यहाँ पर जब शुरू शुरू में गुरु जी आए तो हमारे भागवत हुआ था यहाँ पर। ऐसा चौहत्तर की बात है। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता था पहले। अच्छा यहाँ मतलब ऐसा था ना डरते थे लोग, यहाँ भालू वगैरह लेना कई जानवर होते। वैसे ये पहले से वैसे हमारा एक बुजुर्ग था हमारे गांव का बहुत पुराना, तो वो उन्होंने तप किया वहाँ पर यहाँ पर। अच्छा तप किया वो थोड़े से मेंटल हो गए थे। अच्छा गुरु जी को पता है सारी चीजों का। अच्छा उसके बाद आए थे हम लोग घूमने इधर को ना गुरु जी में बहुत थे हम बच्चे बहुत थे। तब आए थे हम लोग यहाँ पर, तब यहाँ बैठे बाहर थे बाहर बैठे थे हम। उसके बाद गुरु जी घुस गए अंदर आए यहाँ पर। उन्होंने दो ढाई घंटे जो है अंदर ही रहे, हम थे छोटे छोटे थे 16-17 साल के थे हम। तो उसके बाद उन्होंने गुरु जी ने फिर यही बोला नहीं ये फिर तो बड़े बड़े यज्ञ हुए यहाँ पर। हाँ देवते होते थे आए सब कुछ तो बड़े पूरा गांव आता था उस पर पूरे बाहर से उधर क्या नाम निर्मल वगैरह लेने पूरा पूरी मतलब एरिया आता था उस वक्त। उसके बाद फिर यहाँ सफाई वगैरह की ट्रकों के साथ मिट्टी निकाली लोगों ने यहाँ खूब वे किया। फिर उसके बाद कृष्ण कांत जी होते थे हमारे साथ गुरु जी। फिर माता जी आए यहाँ पर, उन्होंने तपस्या की साल भर यहाँ पर, साल भर बाहर ही नहीं निकले। उन्होंने धूप देखी ही नहीं, धूप की धूप कैसी होती है जो अंदर ही बैठते थे यहाँ भी आ गए ना देखने। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पर उन्होंने तब किया। अच्छा उसके बाद आए भी हम यहाँ फंक्शन चले रहे थे। हर दिवाली को फंक्शन खूब धमाकेदार फंक्शन होता है यहाँ। अच्छा हर दिवाली को होता है। हर दिवाली को खुद आते गुरु जी यहाँ। अब तो माता जी भी आते ना आते, अभी भी आए थे मार्च में नवरात्रों में यहाँ पर पूरे आते रहते हैं। कल की परसों 2 तारीख को थी। हाँ जी हाँ जी। दो को थी तो हमारे यहाँ चला हुआ था पुराण चला हुआ था भागवत में, तो हम भी हंसते वहाँ पर। ठीक है ठीक। मैं देख रहा था। अच्छा यहाँ पर और 7 गुफाएं हैं। सात ये भी हैं। 7 गुफा एक गांव में निकलती ऊपर। अच्छा ऊपर गांव में निकलती है। ऊपर गांव एक सिनेरी गांव। सुना आपको पता नहीं। सुना तो नहीं है पर है गांव है वहाँ निकलती थी। वहाँ निकलती है। हाँ निकलती है वैसे। तो अब खुली बंद वो तो बंद ही है। तो बंद ही। हाँ तो जब कोई गया नहीं। पुरानी जमाने की बात है। यहाँ तो मैं हड्डियों के तो ढेर निकले यहाँ से जानवरों के डरते थे लोग। इधर कोई नहीं आता था। जैसे आते थे ना डंगर डूंगर चुगाने आते थे। अब कहाँ। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा।